हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। अभी 3 बजने वाले हैं, सबने लंच कर लिया है, मैंने सबको लंच करा दिया है और अब मैं बैठी हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। अब तक मैंने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे इतना तो समझ में आया है कि सीटेट हो या फिर कोई भी किसी भी स्टेट का टेट हो, उसमें 40% मार्क्स जो है ना वो प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की से ही आते हैं। अगर इन 3 टॉपिक्स को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया ना, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा जो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्ट जाता है। तो अभी मैंने आज के दिन का यही टारगेट रखा है कि मुझे रात से पहले ये 3 टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। तो मैं कंटिन्यू तो नहीं पढ़ पाती हूँ, आप सबको पता ही है, ब्रेक ले ले करके ही बीच में उठना ही पड़ेगा मुझे कई बार। बट मेरा टारगेट है कि रात को बच्चों को सुलाने से पहले मुझे ये 3 टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेने हैं और फिर रात में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और तब देखती हूँ कि मेरा कितना मार्क्स आता है आउट ऑफ 30। अब टाइम बहुत ही कम बचा है, तो थोड़ा हमें स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो मेन टॉपिक्स हैं ना, उनको हम अच्छे से क्लियर कर लें। तो आज मैं यही करने वाली हूँ। और आपने आज क्या किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अपना आज का टारगेट क्या रखा था और आपने उसे कंप्लीट किया कि नहीं। मेरा टारगेट है रात से पहले ये 3 ख़त्म करने का और रात को मैं फिर करने वाली हूँ 1 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और मैं पूरा तो नहीं करती हूँ, हाँ, बट कोई भी एक पोर्शन करूँगी, चाहे CDP करूँ या फिर हिंदी, इंग्लिश, EVS, कोई भी एक पोर्शन मैं करूँगी, क्योंकि दिन भर काम करने के बाद मेरे पास इतनी स्टैमिना नहीं बचती है कि मैं लेट नाइट तक स्टडी कर पाऊँ, तो मैं जल्दी ही सो भी जाती हूँ। मैं डेली कुछ ना कुछ वीडियोस ज़रूर अपलोड करती हूँ ताकि आप लोग भी एक्टिव रहिए मेरे साथ और आप लोग के कमेंट्स से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो मैं भी अगर थोड़ा बहुत मुझे आलस आता भी है, तो मैं आप लोग के कमेंट की वजह से ही खुद को मोटिवेट कर पाती हूँ और अपने आलस को भगा पाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने अपना टारगेट आज का कंप्लीट किया कि नहीं। रोते को रुलाना और डरते को डराना, यह दुनिया का वास्तविक सत्य है। इसलिए ना कभी डरें और ना कभी रोएं, हमेशा मजबूत बनकर परिस्थिति का सामना करें। आप एक बार ध्यान से सोच के देखिए, इसका एग्जाम्पल आपको अपने आसपास, अपने घर में ही मिल जाएगा। ज़िंदगी हर किसी को आज के रूप में एक नया मौका देती है। जो इस मौके का फ़ायदा उठाता है, उसे सफलता मिलती है, और जो आज के बजाय इस मौके को कल पर टालता है, उसे असफलता मिलना निश्चित है। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हम आज के मौके को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, या फिर आज के मौके को हम कल पर टालते हैं। मैं जो भी बातें आपसे कहती हूँ, जो भी बातें आपसे शेयर करती हूँ, वो कहीं ना कहीं हम सबके वास्तविक जीवन की ही बातें होती हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर थोड़ा भी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए या मत करिए, बट प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके पास कुछ भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और आप लोग का इतना सारा सपोर्ट और प्यार देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।